वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सक्सेना फ्रॉम डॉक्टर रवि डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एंड ऑर्थोडोनिक सेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी पेशेंट्स मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन पेशेंट्स को माउथ ओपनिंग की समस्या है, जो गुटखा, खैनी, तम्बाकू, पान, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि लेते हैं, खासतौर से जो लोग सुपारी खाते हैं, उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट जिनकी माउथ ओपनिंग बहुत कम है या वन फिंगर से भी कम है, तो देखिए ऑप्शन दो ही रह जाते हैं आपके पास, या तो सर्जरी आप अंदर से कराएं या सर्जरी बाहर से कराएं। जो सर्जरी बाहर से करो उसमें ये नेजोलेबल फोल्ड होता है, देखिए यहाँ से नाक से लेकर यहाँ तक, ये नेजोलेबल फोल्ड सर्जरी कराती है, नेजोलेबल फोल्ड सर्जरी। थोड़ा बहुत निशान ज़रूर आता है, लेकिन सर्जरी थोड़ी कॉस्टली होती है, और वो सर्जरी कराने से आपका माउथ ओपनिंग परमानेंटली हो जाती है। तब होती है परमानेंटली जब आप कोई ऐसी हैबिट कंटिन्यू नहीं करते हैं जो कि आपको दोबारा वो इरिटेंट, ऐसा कोई इरिटेंट नहीं खाते हैं या वो ऐसी हैबिट कंटिन्यू नहीं करते हैं जो आपको नुकसान करे, जैसे कि खैनी, तंबाकू, सुपारी द्वारा सेवन नहीं करना है उनसे चीज़ों का आपको। अगर आप सेवन करोगे तो इन सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको नुकसान देगी। और मेरा यूट्यूब में चैनल है डॉक्टर रवि सक्सेना के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली में स्थापित है, काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं मेरे पास, और आप जैसे पेशेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं कि मैंने यूट्यूब पे चैनल पे अच्छे खासे लोगों को सिर्फ कंसल्टेशन देके, वीडियो कंसल्टेशन देके खाली बेस्ट दवाई बता के उनको ट्रीटमेंट दिया है और उनके रिजल्ट्स बेस्ट टू बेस्ट आए हैं। और थैंक यू उन पेशेंट्स का भी जिन्होंने बहुत मेहनत करी, मेरे बताए गए होम रेमेडीज़ को फॉलो कराए। मेरी ये पुरानी वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने होम रेमेडीज़ बता रखी, उनको फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आप लोग मेरा फेसबुक का ही पेज है और मेरे फेसबुक रवि सक्सेना के नाम से भी आपको मिल जाएगा प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल है, आप उसमें आराम से देख सकते हो। मैंने ऐसी वीडियोस बहुत सी रहती हैं, मेरे डेंटल ट्रीटमेंट भी डाल रखे हैं, खाली OSMF नहीं और ओरल फाइब्रोसिस ही नहीं, मैंने ऑर्थोडोंटिक पेशेंट्स जो होते हैं जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, अलाइनर्स होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट विदाउट ब्रेनी ब्रेसेस, उनका डाल रखा है, फुल माउथ रिहेबिलिटेशन, डेंटल इम्प्लांट से आप कैसे भतीसी फिक्स करा सकते हैं इन वन गो, 72 घंटे के अंदर पूरी भतीसी फिक्स मिल सकती है आपको, काफ़ी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। इस समय ओरल कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरे सेंटर पर आके अपनी डायग्नोसिस करा सकते हैं और जो भी डायग्नोसिस हो उसके बाद ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और हम लोग कॉटरी से, लेजर से, कई तरह से ट्रीटमेंट होता है ओरल समय फाइब्रोसिस का, कोई लैकिन प्रेनस का पैच है या ल्यूकोप्लेके का पैच है उसका भी ट्रीटमेंट है। ऐसे पेशेंट जिनका मुंह कम खुलता है, एक उंगली भी या नहीं जाती है, एक उंगली जाती है, उनकी सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है, उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410214520, और उनको कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे उनको हानि हो, जैसे कि लाल मिर्च, हरी मिर्च और तेज़ गर्म मसाले, ये आपको नुकसान करेंगे। कोई भी ऐसा पेस्ट जिसमें कि बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक कंटेंट हो, मसाले तेज़ हों, वो भी आपको नुकसान करेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही ऐसे पेशेंट्स का मुँह कटा होता है, मुंह कम खुलता है और ज़बरदस्ती खाने की वजह से मुंह खोलते हैं वो लोग, तो उसमें स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वहाँ पे आपके हल्के हल्के अल्सर्स भी हो जाते हैं। ऐसे में वो चीज़ें आप नुकसान करेंगी, इरिटेंट काम करती हैं और समस्या को बढ़ा देती हैं। मिर्च कोई कैंसर काउज नहीं करती आपको, मिर्च से OSMF नहीं होता है, लेकिन क्या है वो उसको फ्यूल अप देती है और बढ़ा देती है उस समस्या को, है ना, जो सिम्टम्स आपके कम थे वो और बढ़ जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट डाइट लें, संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, कीवी, गाजर, वाटरमेलन, मौसम की चीज़ें जो उस समय आपके अस्पताल में आ रही हूँ, वो मौसम में आ रही हूँ वो लीजिए आप, उससे डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, कंसल्ट करें डेंटिस्ट से, उसके बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप मुझे संपर्क करें डॉक्टर रवि सक्सेना, मेरा नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9410214520, 9410214520, मेरा सेंटर बरेली में स्थापित है, आप लोग आइए। और मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिन पेशेंट्स का मुँह एक उंगली से भी कम खुलता है, एक उंगली खुलता है, उनके लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है, चाहे वो सर्जरी अंदर से कराएं या बाहर से कराएं। अंदर सर्जरी कराते हैं वो पेशेंट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। माउथ ओपनिंग अगर बिल्कुल कम है आपकी, तो 101% आपकी सर्जरी ही होगी, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, ज़बरदस्ती मशीन से मुँह नहीं खोलेंगे आप लोग, जो माउथ ओपनिंग मशीन आती है उससे मुँह ज़बरदस्ती नहीं खोलिएगा, वरना जो फाइब्रोटिक बैंड होते हैं ना अंदर बने होते हैं, वो आपको डेफिनेटली आपको नुकसान देंगे, वहाँ पे फाइब्रोटिक बैंड में अल्सर्स हो जाएंगे, आपके खाल कट जाएगी, वहीं से ब्लीडिंग होगी, फिर वो किसी चीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, हो सकता है लगातार इरिटेशन होने से कैंसर भी हो जाता है ऐसे ही।
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे कैंसर को बढ़ावा ना दें, समय से उसको चीज़ को भाप लें, निकटतम डेंटिस्ट से जाके या एक्सपर्ट से मिलके आप अपनी डायग्नोसिस बनवा के तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और डेफिनेटली मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कॉल से अपॉइंटमेंट लें मेरे नंबर पे 9410214520, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेके ही मेरे क्लिनिक में आएँ। और जो पेशेंट्स बाहर से आते हैं वो 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लें, जिससे कि मेरी अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहे, कहीं मैं इधर उधर गया हूँ अपने कोई कहीं बाहर भी गया हूँ विजिट करने या किसी भी काम से, तो आपका आना बेकार ना जाए। मैं ये चाहता हूँ मैं आपको मिलूँ उस दिन, कॉल करके आएंगे अपनी, मुझे वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं पेशेंट। मेरा नंबर है 9410214520, 94102-14520 लगातार डिस्प्ले होगा नंबर। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, पेशेंट मुझसे इस पर वीडियो कॉल भी कर सकता है, लेकिन पहले व्हाट्सएप पे बात करके अपॉइंटमेंट लेके तभी वीडियो कॉल करें। बात करने का बेस्ट टाइम दोपहर 2 से 3 के बीच में है, मेरे सारे वीडियोज़ में बता रखा है। दोपहर 2 से 3 के बीच में थोड़ा सा मैं खाली रहता हूँ, मेरे यूट्यूबर्स का टाइम होता है, लगातार मुझसे लोग संपर्क करते हैं, कॉल करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं। मिनिमल चार्जेस होते हैं कंसल्टेशन के, वो पे करके मुझे आप रेगुलर बात कर सकते हैं। और बाकी मेरे चैनल को आप लोग फॉलो करिए, मेरा इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर रवि सक्सेना के नाम से पेज है, उसे आप देखिए, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रखी हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर और शेयर करिए मेरे चैनल को, डॉक्टर रवि सक्सेना यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर रवि सक्सेना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वंस अगेन। जो भी ऐसे पेशेंट्स हों उनको हिम्मत नहीं हारनी है, मैं अपने सारे वीडियोज़ में यही कहता हूँ पेशेंट को, बी पॉजिटिव, कभी निगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जब तक साक्षात सांसें लिखी हैं आपकी आप बिल्कुल जिएंगे। और हमें जब तक रहना चाहिए, जब तक जीवन है, स्वस्थ रहें, शरीर एक मंदिर है, इसको हमें बहुत सफाई से रखना चाहिए। और इसमें खाली सफाई से ही नहाने धोने से मतलब नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं, खाली मन भी हमारे जो है शुद्ध रहना चाहिए, मन में विचार भी शुद्ध होने चाहिए। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी ये मादक चीज़ें हैं इनका आप पतन करें, इनको छोड़ें, इनको दोबारा ना लें और अच्छी चीज़ों का सेवन करें। फ्रूट कॉर्नर्स पे जाएं, फल लें, सब्जी लें, वो खाएं, वो बच्चों के लिए घर पे लेके आइए, वो फ़ायदा करेगा आपको। गुटखा, खैनी, तंबाकू ये आपके जीवन में जहर घोल रहा है। और डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब हम लोग बहुत ज़्यादा तादाद में कैंसर के पेशेंट्स हमारे हिंदुस्तान में होंगे, क्योंकि ये हैबिट्स हम लोगों को खुद सुधारनी पड़ेंगी। कुछ लोग और भी होंगे मेरी तरह जो ये इसको मना करते होंगे, और डेफिनेटली वो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है समाज में। तो ये अब जिम्मेदारी उन पेशेंट्स की भी है जो ठीक हो चुके हैं या जो दवाएं खा रहे हैं, कम से कम वो दिन में टारगेट बनाए कम से कम कि 1 से 2 पेशेंट्स जो गुटखा खा रहे होंगे उनको डेफिनेटली मना करेंगे कि आप गुटखा मत खाइए। अगर आप लोग खुद के अपने यूट्यूब चैनल पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर ही अगर प्रचार करेंगे तो ही ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव होगा, जो आप वीडियोज़ जैसे और वायरल होती है ना, ऐसी ही वीडियोज़ भी वायरल होंगी आपकी। जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ ये कहें कि प्लीज़ डोंट ईट गुटखा, खैनी, तंबाकू। डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इस पर भी स्टेप्स लेगी और देखिए आपको एक स्वच्छ भारत, सुंदर भारत का निर्माण होगा। थैंक यू सो मच, आप लोग उसे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर दिए हुए पे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।